यानी कि ये जो दिया है क ख ग इसका क्या ख ख ग यानी कि इसमें क्या करना है माइनस एक से आपको मल्टीप्लाई करना है, एक क्या करना है माइनस एक से मल्टीप्लाई करना है। हाई एवरीवन, हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन सो आई एम आल्सो फाइन, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 3D पार्ट 3। सो गाइज ये पार्ट 3 है 3D का, और इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को बताएं। यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर। इसके पहले हम आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है इसके पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर लिखिए। ओके, तो इस तरह से कुछ दिया गया है आपके बुक में, तो चलिए हम आपको इसको हल करके बताते हैं सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर दिया है, इसको सॉल्व करके इसमें मिलाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, 3 और -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 = 6 होगा, यानी कि 3 × 2 = 6, यानी कि -6 यहाँ पर है तो -6 ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -5 है, -4 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस का गुना क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 20 प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -6 और -4 है, कितना है -6 और -4 है, तो -6 और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×4 कितना होगा, 6×6 = 24, यानी कि 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 24 आएगा, तो माइनस में 24 यहाँ पर है, तो माइनस में 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 7 और 5 है, 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 35, तो 35 पर है, यहाँ पर 35 यहाँ पर है, यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -3 है, -8 और -3 8×3 = 24, यानी कि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8×3 = 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, तो 24 पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 है और −3 है, तो 5×3 = 15, यानी कि 15 और माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर इसको लगा देंगे, हो गया। इसी तरह से आप लोग इसके सामने सामने लिख लीजिएगा, आप लोग इस तरह से मत लिखिएगा, सामने सामने लिख दीजिएगा आपने दो में तो सही होगा। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड लेट सी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखिए यहाँ पर 5 में क्या कह रहा है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, यानी कि ये जो दिया है क ख ग इसका क्या ख ख ग यानी कि इसमें क्या करना है -1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, एक क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई करना, तो -37 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +37 आ जाएगा, फिर उसी तरह से -1 से जब 49 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -49 आ जाएगा, अब जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, 0 में ना माइनस लगेगा ना प्लस लगेगा। ओके, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, सिर्फ किसी भी संख्या से यदि 0 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए, तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से आपको सही उत्तर बताना, तो +3 + 2 और क्वेश्चन में दिया है +7 का मान बताइए, तो यहाँ पर आपको मान नहीं निकालना है, इसको सॉल्व करके इसको सही रूप में लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम प्लस लिख दिए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है गाइज, आप लोगों को यहाँ पर 7 है तो 7 का इसको जब हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो क्या करते हैं आप लोग, या तो इसको प्लस कर देते हैं 3×2 = 5 और इसका 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना करते हैं, या फिर 7 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसमें 3 में मल्टीप्लाई करते हैं और जो संख्या आता है उसको ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो उसी तरह से क्या करना है, इसमें से क्या ये वाला सही होगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, ये वाला गलत है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार 7 में इसका मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 7×2 में, एक बार 7×3 में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो यहाँ पर 7×3 में मल्टीप्लाई किया है और 7×2 से मल्टीप्लाई किया है, बीच में ऐड है, तो बीच में यहाँ पर ऐड है, तो यानी कि ये वाला सही है। उसी तरह से यहाँ पर बीच में माइनस कर दिया, ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस किया, इसलिए ये वाला गलत है, और ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है पहला और दूसरा, ये क्या है, गलत है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का, यानी कि ख वाला, यहाँ पर क वाला था, ख वाला बताते हैं। सो फ्रेंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ख। देखिए यहाँ पर
3 है और माइनस 2 और इंटू 6 है, तो इसका भी मान बताना है उसी तरह जैसे क वाला बताए थे, तो उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और 6 है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, देखिए तो यहाँ पर माइनस वाला ही सही होगा। तो यहाँ पर 3 है इंटू 6 है और 2 इंटू 6 है, तो ये पहला वाला ही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए ग वाला में क्या करना है, माइनस 8 है और माइनस 5 है। ओके, तो इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पच्चे कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। अब देखिए घ वाले में क्या कर रहा है, तीन ऋणात्मक संख्या होगी और एक धनात्मक संख्या होगी, संख्या से पूर्णांक गुणा करने पर चिन्ह होगा। देखिए तीन ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या होगी, तो तीन ऋणात्मक संख्या का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपका माइनस में आंसर आएगा, और जब एक धनात्मक से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका क्या होगा, चिन्ह जो होगा माइनस में होगा, यानी कि ऋणात्मक ही सही है। तो यहाँ पर इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। ओके, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन में ऋणात्मक दिया है, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए। तो असत्य अथवा असत्य बताना है आपको। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला में कह रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, तो यानी सतत गुणनफल यानी कि वही क्रम से जो करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का, 5 ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जब 5 कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, तो 5 जब पांचों में जब ऋणात्मक होगा तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा क्या वो धनात्मक होगा, तो नहीं होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा, असत्य, इसको असत्य कर लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड वाले में 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, सत्य है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। मान लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस दो संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो धनात्मक ही होगा ना, यानी कि प्लस में ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाला है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक धनात्मक है, 2 पूर्णांकों में यदि एक धनात्मक है उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक है तो यहाँ पर एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, यानी कि दो पूर्णांक है। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पूर्णांक 5 और 6 हो गया, 5 और 6 हो गया यहाँ पर। अब देखिए केवल एक ऋणात्मक है, एक को ऋणात्मक कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। अब कह रहा है कि तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर गुणनफल कर रहा है यानी कि गुना करना है, तो यहाँ पर 6 5 30 लेकिन माइनस में होगा ना, तो वही ऋणात्मक है, यानी कि ये वाला सत्य है, क्या है, सत्य है, ये वाला क्या है, सत्य है। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो है माइनस सेवनटीन और यहाँ पर +17, क्या है, यहाँ पर कह रहा है -17 का विपरीत +17 है, तो यहाँ पर ये क्या है, सही है, सत्य है ये भी, क्योंकि ये अपोजिट होता है, माइनस है एक में प्लस है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं, ये क्या है, असत्य है। शून्य से गुना, विपरीत ज्ञात करने के लिए शून्य से कहाँ गुना होगा, मान लीजिए किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करना है, यहाँ पर हम -7 का विपरीत यदि ज्ञात करना चाह रहे हैं, विपरीत ज्ञात करेंगे यानी कि प्लस में आएगा, यहाँ +7 होगा, लेकिन इसमें हम गुना कर देते हैं 0 से, तो यहाँ पर 0 बन जाता है, कहाँ विपरीत हुआ, तो ये हो जाएगा असत्य, आपका असत्य हो जाएगा। अब लास्ट वाला एक है बचा है, यहाँ पर हम लिखे रहे हैं 5वां ये था। अब लास्ट वाला जो है 6वां, उसमें कह रहा है किसी पूर्णांक में 1 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर वही पूर्णांक आता है, तो ये भी सत्य आएगा, किसी भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। आप अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज से आपको बताएंगे, यानी कि 3D था 3E बताएंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, सो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। सो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो, प्लीज टेक केयर एंड बाय।